वेलकम इन दिस चैनल सक्सेस अब। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न हल करेंगे तो हर स्टेप पे एक नया फार्मूला प्रयोग होता है, और अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप हर स्टेप पे रुक जाएंगे, अटक जाएंगे और नहीं होगा आपसे हल, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले रटे रहें, ठीक है ना। अगर आपके माइंड में सारे फार्मूले सेट हैं, याद हैं, तो निश्चित ही आप त्रिकोणमिति के प्रश्न को बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले कवर करेंगे, रटेंगे, दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक फार्मूले देख लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनको हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, यानी कि जो साइन कॉस, ये देखिए साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक, ये जो होते हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप त्रिकोणमिति का हल प्रश्न हल कर रहे हैं और त्रिभुज की बात चले तो त्रिभुज हमेशा आपको समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, यानी त्रिकोणमिति का प्रश्न हल कर रहे हैं और त्रिभुज उसमें कह रहा है या त्रिभुज की ज़रूरत है, तो आप निश्चित ही समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल बनाइए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज का लंब यानी परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला क्या हो गया बेस यानी कि आधार, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस मतलब कि ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, और यहाँ पे आप क्या लेंगे थीटा अगर लेते हैं, तो इस स्थिति में अगर आप इस त्रिभुज के आधार पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का मान होगा आधार बट्टा कर्ण यानी बेस बट्टे ये कर्ण हो गया। टैन थीटा का जो मान होगा वो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। कॉट थीटा टैन का उल्टा हो जाएगा यानी बेस बटे लंब हो जाएगा यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। और सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा टैन थीटा का जो मान होता है वो पी बटा बी होता है, ठीक है ना, यानी लंब बटा आधार होता है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा टैन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है यानी पी बटे बी। कॉट थीटा टैन का उल्टा हो जाएगा तो बी बट्टा पी हो जाएगा यानी आधार बटा लंब। सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, उल्टा होता है कॉस और सेक, और कॉसेक थीटा जो होगा वो कर्ण बटा लंब, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। इसके अलावा अगर आप इनके बीच में जो रिलेशन है, जो विलोम वाला रिलेशन है, एक बट्टे वाला रिलेशन, वो ये है कि साइन थीटा एक बटा कॉसेक थीटा होता है, यानी शुरू का पहला वाला अंत, यानी नीचे से ऊपर से पहला वाला साइन थीटा है और नीचे से पहला वाला कॉसेक थीटा है, तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी साइन थीटा एक बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा एक बटा साइन थीटा। इसी तरह ऊपर से दूसरे नंबर पर जो कॉस थीटा आता है, नीचे से दूसरे नंबर पर जो सेक थीटा आता है, ये एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर भी एक बटा कॉस थीटा। अगर आप ऊपर से तीसरे नंबर की बात करेंगे और नीचे से तीसरे नंबर की बात करेंगे तो टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी टैन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर एक बटा टैन थीटा। इसके अलावा देखिए सेक थीटा जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, अभी हमने पहले ही देख लिया कि कॉस थीटा एक बटा सेक थीटा होता है, सेक थीटा एक बटा कॉस थीटा होता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है कि टैन थीटा का एक और मान होता है यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा के एक और मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टैन वाला याद कर लीजिए कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, तो इसमें कॉस ऊपर नीचे साइन हो गया, साइन टैन में साइन ऊपर कॉस नीचे हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया जिनको आपने कवर किया। अब हम आते हैं आइडेंटिटीज पे, इनको हिंदी में कहा जाता है सर्वसमिकाएँ। क्या कहते हैं? सर्वसमिकाएँ, ठीक है ना, सर्वसमिकाएँ। अब हम इनको कवर करते हैं। देखिए तीन होती हैं बेसिक सर्वसमिकाएँ, पर इनमें भी आगे फार्मूले बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सर्वसमिका है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये है पहली सर्वसमिका,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अगर यहीं से आप केवल साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे तो वन साइन स्क्वायर थीटा का मान जो हो जाएगा वो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। पर अगर आप कहें कि नहीं हमको केवल साइन थीटा का मान चाहिए तो यहीं से अगर आप केवल साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों तरफ रूट ले लेंगे, इधर स्क्वायर है तो ये साइन थीटा हो गया और इधर अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि इसका नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा का मान अगर निकालेंगे तो ये रूट में आ गया। अब देखिए अगर आप इसी फार्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। पर अगर आप यहीं पे कॉस थीटा का मान निकालेंगे, स्क्वायर नहीं केवल कॉस थीटा का, तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहली सरसमिका और उससे संबंधित जो सूत्र बन रहे हैं। अब देखिए दूसरी सरसमिका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये दूसरी आइडेंटिटीज है और यहाँ से अगर आप सेक, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन है, अगर आप केवल सेक थीटा का मान, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। पर अगर यहीं से आप कह रहे हैं कि हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर कर दीजिए क्योंकि इधर माइनस में है और वन को इधर कर दीजिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, पहले से है वन को इधर करेंगे माइनस वन और इधर टेन स्क्वायर थीटा तो ये टेन स्क्वायर थीटा एक तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ से इस सरसमिका यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन से आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मिल रहा है। पर अगर आप यहीं पे कह रहे हैं कि हमको केवल सेक का मान, सेक थीटा का मान चाहिए तो इधर रूट लगा लीजिए, पर अगर आपको केवल टेन थीटा का मान चाहिए तो इधर रूट लगा लीजिए, ठीक है ना। ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी आइडेंटिटीज यानी कि सरसमिका पर, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये तीसरी सरसमिका है, यहीं से अगर आप केवल कॉस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर कर दीजिए, ये इधर आ गया और वन को इधर कर दीजिए तो ये हो गया कॉस सेक स्क्वायर थीटा और इधर का वन माइनस वन, ठीक ना। उधर कॉट स्क्वायर थीटा तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। पर अगर आप कह रहे हैं हमको केवल कॉस सेक थीटा का मान चाहिए तो इधर रूट ले लीजिए, अगर आपको कॉट थीटा का मान चाहिए तो इधर रूट ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये हैं तीन सरसमीकरण जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनसे बने हुए सूत्र भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह में आपको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना होता है, कहीं साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना होता है, इसी तरह और भी बहुत सारे ये जो सरसमिकाएँ हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख देना होता है, कहीं कहीं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन रखना होता है। तो इन सब मान को जब आप रखते हैं तो फिर आंसर बहुत बढ़िया तरीके से आता है और प्रूव होता है, ठीक ना। तो ये तीन सरसमिका और उनसे संबंधित जो सूत्र बन रहे हैं ये हो गए। अब हम आते हैं ये देखिए 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में, देखिए ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों में साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, यानी पहला दूसरे में, पहला दूसरा एक दूसरे में बदल जा रहे हैं। देखिए साइन कॉस आपस में बदल रहे हैं, ये पहले दूसरे हो गए, दूसरा तीसरा, जो तीसरा और चौथा है टैन कॉट, ये आपस में बदल रहे हैं, यानी टैन 90 प्लस माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, टैन 90 प्लस थीटा है तो भी कॉट थीटा, यानी बदल रहे हैं, ठीक है ना आपस में। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है माइनस का, वो अभी हम कवर कर लेंगे। अब कॉट थीटा है चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, दोनों में टैन थीटा में बदल जाएगा, इसी तरह टैन दोनों में कॉट में बदल जाएगा, कॉस दोनों में साइन में बदल जाएगा, साइन दोनों में कॉस में बदल जाएगा, यानी पहला दूसरा आपस में बदलेंगे, तीसरा चौथा आपस में बदलेंगे और पाँचवा और छठवां आपस में बदल जाएंगे, यानी सेक 90 माइनस थीटा हो और चाहे 90 प्लस थीटा हो दोनों में कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो चाहे कॉसेक 90 प्लस थीटा हो दोनों में सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि देखिए 90 माइनस थीटा में तो बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यही फार्मूला यूज होता है आप जब हल करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो सीधे सीधे कॉस थीटा हो जाएगा, कोई माइनस चिन्ह नहीं है, इसी तरह कॉस थीटा भी साइन में, मतलब यहाँ कोई चिन्ह ऋण का नहीं लगेगा, ठीक है ना, सब पॉजिटिव हैं और बदल रहे हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इसके अलावा देखिए साइन इधर भी बदल रहा है, 90 प्लस थीटा में भी
साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक हो रहा है। पर अब आपको ये ध्यान रखना है प्लस कौन हो रहे हैं। तो देखिए साइन वाला मान इसमें प्लस आएगा, जो भी साइन का मान आएगा वो प्लस में रहेगा। तो देखिए यहाँ कॉस आ रहा है तो कॉस प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह साइन का उल्टा जो है आपका यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया है, ठीक है ना, ये भी आपका प्लस में आएगा। कॉसेक, कॉसेक, क्योंकि देखिए साइन और कॉस, कॉसेक दोनों प्लस में आएंगे, ठीक है ना, 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसेक दोनों प्लस में आएंगे। तो देखिए कॉस थीटा और ये सेक थीटा दोनों प्लस में रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो बीच के चारों हैं ये माइनस में रहेंगे, पर बदल रहे हैं, ये कॉस का साइन टैन का कॉट ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाला। अब देखिए अगर आप बात करेंगे माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, तो इनमें साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टैन का टैन, कॉट का कॉट, ये नहीं बदलते हैं, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होते हैं। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट। अब ये ध्यान रखना है कि आपको चिन्ह ऋण और धन किस में आएगा। तो देखिए जब माइनस थीटा होता है तो वहाँ पे कॉस प्लस में रहता है और सेक प्लस में रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। जब माइनस थीटा की बात चलेगी, देखिए 90 प्लस थीटा जब था तो साइन और कॉसेक प्लस में थे, हालांकि साइन का मान कॉस आ गया था वो प्लस में आया था, और कॉसेक का मान सेक आ गया था वो प्लस में था। यहाँ पे कॉस का मान कॉस ही रहेगा और सेक का मान सेक ही रहेगा, ये भी प्लस में आएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद 360 माइनस थीटा में देख लीजिए, तो केवल ये फिर कॉस का कॉस प्लस में और सेक का सेक प्लस में, ये सेक भी प्लस में हो गया, ठीक है ना। तो अब ये सेक थीटा भी प्लस में है, कॉस थीटा भी प्लस में है, यहाँ भी 90 माइनस थीटा में कॉस थीटा प्लस में है और सेक थीटा प्लस में है। यानी बहुत इजी है, अगर साइन माइनस थीटा हो चाहे 360 माइनस थीटा हो, कॉस माइनस थीटा हो चाहे कॉस 90 माइनस थीटा हो, इनमें जो साइन है साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट, सेक सेक और कॉसेक कॉसेक, कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा कॉस वाला प्लस में रहेगा और सेक वाला प्लस में रहेगा, चाहे माइनस थीटा हो और चाहे 360 माइनस थीटा हो, दोनों में केवल कॉस और सेक प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं जो हमारा 180 माइनस थीटा वाला सूत्र है। तो देखिए 180 माइनस थीटा वाले में भी देखिए केवल बदलाव किस में होता है, साइन का कॉस, कॉस का टैन, ये किस में बदलते हैं, केवल 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में। इसके अलावा देखिए माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा में साइन साइन, कॉस कॉस, मतलब ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह 180 माइनस थीटा हो चाहे 180 प्लस थीटा हो, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 180 माइनस थीटा में किस में प्लस रहता है। तो देखिए 180 माइनस थीटा में आपका साइन और साइन प्लस में रहेगा और कॉसेक प्लस में रहेगा, ठीक है ना। जो 90 प्लस थीटा की बात थी अभी, तो उसमें साइन और कॉसेक ही प्लस में था, साइन कॉसेक प्लस में था। 90 प्लस थीटा का मतलब ये हो गया कि 180 से कम, ठीक है ना, इसीलिए 180 माइनस थीटा में भी साइन और कॉसेक प्लस में आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे 90 प्लस थीटा की जो बात चल रही है, ये सब क्या है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। और यहाँ पे जो 180 माइनस थीटा है, ये भी 180 से कम और 90 से ज़्यादा है, तो इसलिए सेम जो प्लस आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, मतलब दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की। और यहाँ पे आपको केवल साइन कॉस, साइन और कॉसेक प्लस में है, यहाँ बदल रहा है तो साइन का कॉस प्लस में आ रहा है, और यहाँ पे नहीं बदल रहा है, चेंज नहीं हो रहा, साइन का साइन ही रह रहा है, तो साइन का साइन प्लस में आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह कॉसेक का कॉसेक प्लस में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप 180 प्लस थीटा की बात करेंगे, तो इसमें भी साइन का साइन रह रहा है, कॉस का कॉस। 180 प्लस थीटा में केवल आपका टैन और कॉट प्लस में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 180 प्लस थीटा जब आएगा तभी टैन और कॉट केवल प्लस में रहेंगे, इसके अलावा सब माइनस में रहेंगे, ठीक है ना। यानी 180 प्लस थीटा अगर आ गया तो आपको केवल टैन कॉट, अभी तक ये प्लस में नहीं आए थे ना, तो 180 प्लस थीटा जब आता है तो टैन और कॉट दोनों प्लस में रहते हैं, ठीक है ना, 180 प्लस थीटा में, इसके अलावा सब माइनस में रहेंगे, ठीक है ना। और 90 प्लस थीटा अगर आ रहा है और 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो इनमें साइन और कॉसेक प्लस में रहेंगे, ठीक है ना, साइन और कॉसेक प्लस में रहेंगे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेट की बात हो रही है। और इसी तरह देखिए माइनस थीटा की बात करेगा और 360 माइनस थीटा की बात करेगा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेट की बात चल रही है। यानी थर्ड में आपका सेक और सेक थीटा और कॉस थीटा प्लस में आएंगे, पहले में तो सभी रहते हैं प्लस में, ठीक ना। इसमें साइन और आपका साइन और कॉसेक दूसरे में प्लस में रहता है सेकंड क्वाड्रेट में, और आपका जो तीसरा क्वाड्रेट है थर्ड क्वाड्रेट, इसमें हमने बताया कि 180 प्लस थीटा में आपका टैन और कॉट प्लस में रहते हैं, ठीक ना।
टेन और कॉट, ये इस तरह आल साइन कॉसिक, साइन और कॉसिक सेकेंड में प्लस में रहते हैं और थर्ड में टेन कॉट और चतुर्थ में सेक और कोसेक प्लस में रहते हैं। तो ये हो गया आपका, तो 180 प्लस थीटा में आपका केवल टेन और कॉट प्लस में, 180 माइनस थीटा में साइन और कॉसेक, इसी तरह 90 प्लस थीटा में भी साइन और कॉसेक रहेगा क्योंकि दूसरे चतुर्थांश की बात है, माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा में आपका सेक कॉसेक रहेगा प्लस में। और देखिए अगर आप 90 माइनस थीटा की बात चले तो देखिए सब प्लस में आ रहे हैं, सारे प्लस में है ना ये चीज़। और बदलता कब है, केवल 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में साइन का कॉस, कॉस का टेन, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके अलावा चाहे माइनस थीटा हो, चाहे 360 माइनस थीटा हो, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, ऐसे हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसको रट सकते हैं, मैं एक बार फिर से समरी दे रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से, ध्यान रखिए कि साइन चाहे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में बदलाव होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन का कॉस, ऐसे बदल जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसे बदलता है। तो यहाँ प्लस कौन रहता है, 90 माइनस थीटा की बात चलेगी यानी पहला चतुर्थांश है तो सब प्लस में आएंगे, पहले चतुर्थांश में सब प्लस में रहते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस में रहते हैं, तो इसीलिए ये दूसरे चतुर्थांश की बात चलेगी, 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज़्यादा, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक देखिए आप प्लस में रहेंगे, ये यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है ना, ये गलती से मिस्टेक हुई है, मतलब ये कॉसेक में सेक प्लस में, कॉसेक यानी प्लस में आएगा और साइन प्लस में आएगा, भले ये चेंज हो रहे हैं तो वो जो मान आ रहा है वो प्लस में दिख रहा है आपको कि कॉस प्लस में दिख रहा है, यहाँ साइन माइनस में दिख रहा है, पर ये जो साइन का मान है वो प्लस में आएगा भले कुछ आ रहा है, ठीक है ना। ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, इसी तरह दूसरा चतुर्थांश ये भी है 180 माइनस थीटा, पर यहाँ पे साइन का साइन ही रह रहा है, कास का कास ही रह रहा है, तो यहाँ भी देखिए साइन वाला प्लस में रहेगा और कॉसेक वाला प्लस में रहेगा। इसके अलावा देखिए तीसरे चतुर्थांश में आपका टेन कॉट प्लस में है, तीसरा चतुर्थांश मतलब 180 से अधिक, तो तीसरा चतुर्थांश हो गया और यहाँ पे टेन और कॉट आपका प्लस में दिख रहे हैं, और चौथे चतुर्थांश का मतलब हो गया माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, ये चतुर्थ चतुर्थांश की बात चल रही है, चौथे चतुर्थांश की बात चल रही है। तो यहाँ पे आपका कॉस और सेक ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये साइन माइनस थीटा हो चाहे 360 माइनस थीटा, दोनों के मान बराबर होते हैं एकदम, ये एक ऐसे सूत्र हैं, चाहे माइनस थीटा हो चाहे 360 माइनस थीटा हो, दोनों के मान बराबर आते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए, चाहे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसी तरह टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, तो टेन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, यानी देखो एकदम सेम है मान, ठीक है ना, केवल कॉस और सेक को प्लस में ले लीजिए, बाकी सब माइनस में है, साइन का साइन हो रहा है, कॉस का कॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब मैंने रिलेट किया कि आपको याद करने में आसानी हो जाए इसको, क्योंकि ये फार्मूले थोड़े ज़्यादा हैं, कन्फ्यूज़न कर देते हैं, तो आपको इसी तरह ध्यान रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्वाड्रेट में देखिए यहाँ पे सभी धन में रहते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस में रहते हैं, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और ये तीसरा चतुर्थांश है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, टेन और कॉट प्लस में, और यहाँ पे सेक और कॉसेक प्लस में रहेंगे, ये तीन माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा दोनों यहाँ पे हैं, 90 माइनस थीटा ये है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा ये है, और 180 प्लस थीटा ये है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जो मैंने आपको रिलेट करके याद करने का तरीका बताया। अब देखिए सम एंड डिफरेंस देख लेते हैं कोणों का, यानी ए प्लस बी वाला सूत्र जो होता है, तो ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी, यानी यहाँ धन रहेगा साइन वाले में तो यहाँ भी धन रहेगा, ठीक ना। इसके अलावा एक साइन तो दूसरा कॉस, फिर दूसरा कॉस ए आ गया तो साइन बी आ गया, उल्टा एक दूसरे का, यानी साइन ए है तो कॉस का बी आएगा, फिर आगे साइन ए शुरू में आ गया तो कॉस ए आएगा और फिर साइन बी आएगा, ठीक है ना। इसी तरह बस अगर ए माइनस बी का सूत्र है तो वही चीज़ रहेगा, बस चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो प्लस बीच में रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। पर अगर आप कॉस थीटा का सूत्र याद करें, कॉस ए प्लस बी का है, तो देखिए अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, उल्टा होता है। उसके अलावा देखिए शुरू में कॉस ए कॉस रहेगा, बाद में साइन साइन रहेगा, कॉस ए कॉस बी हो गया, बाद में साइन ए साइन बी हो गया। अब देखिए इसी तरह कॉस ए माइनस बी में देखिए यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस दे रहा है, उल्टा है चिन्ह, साइन में वही चीज़ है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, प्लस क्लास कॉस में क्या है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस। अब कॉस ए माइनस बी में क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है, और साइन ए साइन बी, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा माइंड में सेट करने की ज़रूरत है। अब देखिए टेन ए प्लस बी में यहाँ ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, इसमें प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस रहेगा, ये ध्यान रखिए। टेन ए प्लस टेन बी बट्टे, यानी बट्टे
वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ टेन ए माइनस बी है तो ऊपर टेन ए माइनस टेन बी हो जाएगा बट्टे वन प्लस टेन ए टेन बी। अगर ऊपर प्लस तो यहाँ उल्टा चिन्ह ले लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ प्लस तो फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस तो फिर यहाँ प्लस, उल्टा चिन्ह, ये दूसरे अपोजिट चिन्ह रहेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, ऊपर ये माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस, ठीक है ना। बाकी टेन ए टेन भी ऊपर जुड़ेंगे और घटेंगे और नीचे वन माइनस करके टेन ए टेन भी गुणे में, ठीक है ना। तो ये हो गया टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का सूत्र। अब देख लीजिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू डॉट कास सी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, यानी साइन वाले में पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस लिया जाएगा, माइनस में क्या होगा, अगर साइन सी माइनस डी का सूत्र है तो शुरू में कॉस आएगा, टू कॉस सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी में कॉस है कॉस आएगा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिए कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और फिर आगे आएगा सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। और कॉस सी माइनस डी में क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस डी माइनस सी बाई टू। देखिए ये कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी सूत्र एकदम लगभग लगभग हैं, अंतर बस यही है कि जब माइनस का रहेगा बीच में तो यहाँ पे डी माइनस सी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये इधर, नहीं तो यहाँ तो सी प्लस डी बाई टू है, यहाँ भी सी प्लस डी बाई टू है, यहाँ सी माइनस डी बाई टू है अगर प्लस रहेगा, पर अगर यहाँ माइनस रहेगा तो उल्टा कर देंगे, यानी डी से सी को घटाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे देख लीजिए और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, टू थीटा वाले सूत्र, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र और होता है साइन टू थीटा बराबर, वो होता है टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखिए कि साइन थीटा में जो टेन ये सूत्र होता है वो प्लस रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। एक सूत्र और होता है टू टेन थीटा बट्टा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस रहता है, जब यहाँ माइनस रहेगा ये तो वो टेन टू थीटा का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ अगर प्लस रहेगा ये, यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये साइन टू थीटा का सूत्र है, यहीं अगर माइनस हो गया तो ये टेन टू थीटा का सूत्र है, ठीक है ना। तो साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा कॉस थीटा एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र ये होता है कि टू टेन थीटा बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला है। आगे देख लीजिए कॉस टू थीटा बराबर एक सूत्र होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसी में दूसरा कॉस टू थीटा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा बराबर एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र कॉस टू थीटा में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा बराबर ये अगला सूत्र जो है वो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये टेन कॉस टू थीटा में सूत्र हो गया, ठीक ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा देखिए जो अभी हमने बात की थी कि टेन टू थीटा बराबर होता है एक सूत्र टू टेन थीटा बटा वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पर प्लस टेन स्क्वायर थीटा यही सूत्र हो जाए, ये सूत्र अगर प्लस में आ जाए ये वाला, ये सूत्र है टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो साइन टू थीटा का हो जाएगा और यहाँ माइनस रहेगा तो टेन टू थीटा का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा देखिए साइन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा बराबर थ्री थीटा बराबर होता है फोर कॉस थ्री थीटा सॉरी फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो ये हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो कि एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ही यूजफुल फार्मूले हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिए आप, जहाँ तक हो सका है मैंने आपको अच्छे से याद करवाने का प्रयास किया है, रिवीजन करवाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आप रट लीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।